10 जुलाई को पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। यहाँ पे उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की जो विधायक थी जेडीयू की बीमा भारती, वो जनवरी में अपना पलड़ा बदल करके आरजेडी में चली गई थी, जिससे उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। उसके बाद फिर वो आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी, बुरी तरह से हारी। इसलिए अब वो दोबारा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने के लिए, उपचुनाव लड़ने के लिए आ गई है। उसके सामने होंगे जेडीयू के कैंडिडेट कालाधार मंडल। अब इस लोक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें हैं, चाहे वो जातीय समीकरण हो या फिर किस कैंडिडेट का क्या मजबूत पक्ष है, क्या कमजोर पक्ष है, क्या इतिहास है इस विधानसभा क्षेत्र का और क्या किसके पक्ष में जा सकता है, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आज हम इस थोड़े से बड़े लेकिन संपूर्ण जानकारी से भरे हुई वीडियो में देंगे आपको। तो शुरू करते हैं हम जातीय समीकरण से ही। जातीय समीकरण को अगर आप देखेंगे तो रुपौली विधानसभा क्षेत्र में गंगोटिया जाति के लोग सबसे ज़्यादा वोटर यहाँ पे हैं। गंगोटिया जाति अक्सर नदी के किनारे होते हैं, गंगा नदी के किनारे जितने भी क्षेत्र हैं, खास करके भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे लगभग 25% के आसपास, 25 से 30% वोटर गंगोटिया जाति के अकेले पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यादव, जो आरजेडी का कोर वोट माना जाता है, उनका मात्र 5-7% वोटर है। बाकी इसके अलावा जो MY समीकरण में आरजेडी के पक्ष में जाता है वो है मुसलमान, जिनका 12.2% है। सवर्णों में अगर देखेंगे तो सवर्णों का, सारे सवर्णों को अगर आप मिला देंगे तो 12 से 15% से ज़्यादा यहाँ पे सवर्णों का वोट नहीं है। और उसमें से भी राजपूत यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और उसके बाद फिर यहाँ पे ब्राह्मण है, भूमिहार बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। दलितों के अगर अंदर देखेंगे तो दलितों का, सारे दलितों का टोटल वोट 12.15% है और उसमें से भी सबसे ज़्यादा मुसहर है। और उसके बाद कोई है तो वो है पासवान जाति के वोटर। दलितों के सबसे बड़े नेता जो हैं वो जीतन राम मांझी हैं और मुसहर जाति से वो आते हैं, वो पहले ही NDA में आ चुके हैं। दूसरे सबसे बड़े जो नेता हैं वो पासवान जाति के हैं, चिराग पासवान, वो भी NDA में आ चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी पासवान और मुसहर दोनों ने पप्पू यादव को वोट नहीं दिया था, बल्कि JDU के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा को वोट दिया था ज़्यादातर लोगों ने। इसमें कोई शक नहीं है कि रुपौली में बीमा भारती सबसे बड़ी गंगोटिया जाति की नेता या लीडर मानी जाती है। लेकिन ये भी तो सच है कि सिर्फ गंगोटिया जाति के वोट के आधार पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, कोई भी नहीं जीत सकता है। इसलिए बीमा भारती को संतोष कुशवाहा का साथ चाहिए होता था, इसके पहले जितने भी चुनाव लड़े हैं उनके साथ वो गठजोड़ करती थी, क्योंकि संतोष कुशवाहा के गठजोड़ से सवर्ण वोटर, जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, जो JDU के वोटर हैं, उसका अच्छा खासा परसेंटेज इनको मिल जाता था और उसके साथ साथ मुसहर वोट भी इनके कारण मिल जाता था, JDU के कारण। इस बार एक तरफ गंगोटिया जाति के वोट भी बट गए हैं, क्योंकि JDU ने जो उम्मीदवार उतारा है इस क्षेत्र से, कालाधार मंडल, वो भी गंगोटिया जाति से ही आते हैं। लेकिन बीमा भारती के जैसा उनका मजबूत पकड़ नहीं है गंगोटिया जाति के वोटरों के ऊपर। लेकिन जैसे रुपौली में भी बीमा भारती सबसे मजबूत गंगोटिया नेता है, वैसे ही रुपौली के ही पड़ोसी गंगोटिया बहुल गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में गंगोटिया जाति के सबसे बड़े नेता नरेंद्र कुमार नीरज भी 2005 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और वो भी बिना पार्टी बदले, वो JDU के नेता हैं। गोपालपुर में रुपौली से ज़्यादा गंगोटिया जाति के वोटर पाए जाते हैं और सांसद अजय मंडल गंगोटिया जाति से ही संबंध रखते हैं। दोनों के दोनों JDU के ही नेता हैं और दोनों का प्रभाव गंगोटिया जाति के लोगों के ऊपर अच्छा खासा है और दोनों मैदान में उतरे हुए हैं रुपौली विधानसभा क्षेत्र में अपने JDU के कैंडिडेट को जिताने के लिए। दोनों का प्रभाव रुपौली विधानसभा क्षेत्र में, खास करके रुपौली विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणी भाग में अच्छा खासा माना जाता है। इसलिए बीमा भारती का राह इतना आसान नहीं है। इसके अलावा ये भी सच है कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र की सीमा 7 विधानसभा क्षेत्रों से मिलती है और इन 7 में से 7 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर NDA के लोग जीते हुए हैं, विधायक हैं, और उसमें से भी इन 7 में से 5 के ऊपर अकेले सिर्फ JDU का कब्जा है। उदाहरण के लिए आप बरारी लोक विधानसभा देख लीजिए, वहाँ पे JDU के यहाँ पे अभी विधायक हैं। यहाँ पे RJD आखिरी बार 2000 का चुनाव जीती थी, 2015 में जीती थी, लेकिन 2015 में इसलिए जीत गई थी क्योंकि RJD का नीतीश कुमार के साथ JDU के साथ अलायंस था। इसके बाद दूसरा विधानसभा देख लीजिए, कोढ़ा में भाजपा के अभी विधायक हैं, RJD यहाँ पे कभी भी चुनाव नहीं जीती है। आखिरी बार यहाँ पे 2005 में कांग्रेस चुनाव जीती है।
इसी तरह से दमदहा देख लीजिए, दमदहा में जेडीयू लेसी सिंह की मंत्री हैं, वो विधायक यहाँ पे हैं, लगातार वो 2010 से जीत रही है। इसके बाद फिर ये आरजेडी का यहाँ कहीं कोई नामो निशान नहीं है। बानमनखी विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पे भी भाजपा का कब्जा है, कभी भी यहाँ पे इतिहास में आरजेडी यहाँ पे चुनाव जीत ही नहीं पाई है। बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे तो अभी यहाँ पे जेडीयू के विधायक है और आरजेडी आज तक कभी भी यहाँ पे नहीं जीती है, हमेशा जेडीयू ही जीतते आई है। ऐसे ही आलमनगर देख लीजिए, वहाँ पे भी जेडीयू के विधायक हैं, आरजेडी यहाँ पे 1995 से लेकर के आज तक एक भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। हालांकि ये यादव का यहाँ पे अच्छा खासा वोटर है, लेकिन यादव का होने के बावजूद यहाँ पे जेडीयू जीत जाती है। ऐसे ही गोपालपुर का देख लीजिए, गोपालपुर में भी जेडीयू के विधायक यहाँ पे हैं और फरवरी 2005 से लगातार वो जीत ही रहे हैं। और ये सातों में से एक पर भी किसी भी महागठबंधन के किसी भी दल का कोई हक नहीं है, कोई कहीं नामो निशान नहीं है। मतलब साफ है कि इस पूरे बेल्ट में जेडीयू काफ़ी स्ट्रांग है और खास करके गंगोटिया जाति के बीच सबसे ज़्यादा अगर कोई एक पार्टी स्ट्रांग है तो वो है जेडीयू। और उसके पीछे कारण भी है, कई कारण हैं। गंगोटिया जाति को सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही ईबीसी में शामिल किया था, जिसके कारण गंगोटिया के लोग इनके सपोर्ट में आ गए थे। उसके बाद फिर इन्हें एसटी में, दलित आदिवासियों में शामिल करने के लिए, शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने के लिए नीतीश सरकार ने कई बार प्रयास भी किया है। और इन्हीं प्रयास के दौरान उन्होंने दो बार अब तक केंद्र सरकार को ये सुझाव दे चुके हैं कि इन्हें एसटी में शामिल करना चाहिए। यही कारण है कि गोपालपुर, रुपौली, नाथनगर, ये जो तीन विधानसभा क्षेत्र हैं, तीनों के तीनों गंगोटिया जाति के वोटर यहाँ पे अच्छे खासे हैं। इन तीनों जगह पर, तीनों विधानसभा क्षेत्र में दो दशक से लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का लगभग एक छत्र राज रहा है और इस एक छत्र राज का प्रभाव रुपौली में भी पड़ने की पूरी संभावना है इस उपचुनाव में। वरना जो बीमा भारती 2005 का चुनाव जीत चुकी थी वो आरजेडी, और वो भी आरजेडी के टिकट पर, तो वो आरजेडी को छोड़ करके जेडीयू में क्यों आ गई थी? क्योंकि उन्हें पता था कि नीतीश कुमार गंगोटिया जाति के लोगों के ऊपर अब पूरी तरह से टूट पड़े हैं उनको लुभाने के लिए। दूसरा कारण ये भी था कि उनके पति आपराधिक छवि के थे, तो अगर नीतीश कुमार से बचना है, खास करके उस नीतीश कुमार से जो 2005 में सुशासन बाबू के नाम से आए थे, अगर उनसे बचना था एक अपराधी पति को तो नीतीश कुमार के साथ तो आना ही पड़ेगा। और इसीलिए बीमा भारती नीतीश कुमार के साथ 2005 के बाद ही आ गई थी और उसके साथ साथ नीतीश कुमार का गंगोटिया जाति के साथ जो वोटर, उनके वोटर थे, उसके ऊपर स्ट्रांग पकड़ और भी बढ़ गया था। आरजेडी का इस क्षेत्र पे पहले से ही कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कुछ भी इनका स्ट्रांग होल्ड नहीं है, कोई वीक होल्ड भी नहीं है। यहाँ पर आरजेडी का जीत सिर्फ एक बार हुआ है और वो भी इसी बीमा भारती के कारण। इसी बीमा भारती ने को टिकट दिया था आरजेडी ने, तब जाकर के ये अक्टूबर 2005 का जब चुनाव हुआ था तब बीमा भारती आरजेडी के टिकट पर यहाँ से जीती थी। उसके पहले 2000 में बीमा भारती निर्दलीय भी विधायक रह चुकी है और निर्दलीय विधायक रह गई थी, इसीलिए आरजेडी ने इनको टिकट दे दिया। तो इस तरह से आरजेडी रुपौली में बीमा भारती के द्वारा पके पकाए फसल को सिर्फ काटने के लिए बीमा भारती को टिकट दे दिया था। उससे पहले जब भी आरजेडी बिना बीमा भारती के यहाँ से चुनाव लड़ी है, आखिरी बार साल 2000 में लड़ी थी, तो उस चुनाव में आरजेडी का कैंडिडेट चौथे नंबर पर चला गया था। 2005 के चुनाव के बाद बीमा भारती आरजेडी को छोड़कर के जेडीयू में आ गई, तो उसके बाद फिर 2020 तक, 5 से लेकर के 20 तक आरजेडी रुपौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी ही नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि रुपौली में उनका कहीं कोई कुछ भी आधार नहीं है। आरजेडी का MY समीकरण मिला करके भी मुश्किल से मुस्लिम का और यादव का मिला देंगे तो 17-18% वोट होता है, जिसके सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता था रुपौली में। और उसके ऊपर से पप्पू यादव आरजेडी के इस MY समीकरण में सेंध पहले ही मार लगाए पड़े हुए थे। इसलिए आरजेडी 2005 से लेकर के 2020 तक सभी बिहार विधानसभा चुनाव में रुपौली से अपना उम्मीदवार कभी चुनाव के मैदान में उतारे ही नहीं, और हर बार अपने सहयोगी दल, जो भी अलायंस में होता था, कभी CPI कभी कांग्रेस, इनको ये टिकट दे देती थी। और ये आरजेडी का पुराना खेल है, जहाँ पे भी वो जीत नहीं सकते वहाँ पे अपने सहयोगी दल को दे देते हैं टिकट। बीमा भारती के बिना तो जेडीयू भी आज तक रुपौली में एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है। 2010 से लगातार जेडीयू चुनाव यहाँ से जीत रही है, लेकिन हर बार सिर्फ बीमा भारती को ही उम्मीदवार बना रही थी। इस बार पहली बार होगा जब बीमा भारती के
बिना ही जेडीयू यहां से चुनाव लड़ेगी। 2005 के फरवरी के चुनाव में जब बीमा भारती आरजेडी के टिकट पर लड़ रही थी तब जेडीयू के उम्मीदवार उनको यहां पे मात्र 1057 वोट मिला था और वो 15वें नंबर पे चले गए थे। उसके पहले साल 2000 के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में, रुबौली विधानसभा क्षेत्र से जो जेडीयू का उम्मीदवार था वो 8वें नंबर पे रहा था। उसके पहले 95 के चुनाव में 7वें नंबर पे रहा था। मतलब साफ है कि यहाँ यानी कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र में ना तो भाजपा का कहीं कोई मजबूत पकड़ है, ना कांग्रेस का है, ना आरजेडी का है, और यहाँ पे जेडीयू का भी नहीं है। यहाँ की राजनीति पार्टी तय नहीं करती है बल्कि यहाँ की राजनीति जाति तय करती है। फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस रुपौली विधानसभा क्षेत्र से कोई एक गैर गंगोटिया चुनाव जीत गया, और वो इसलिए जीत गया क्योंकि उच्च जाति के वोट सारे के सारे सवर्ण एकजुट हो गए थे और एलजीपी के उम्मीदवार को वोट दे दिए थे। दूसरी तरफ इसी चुनाव में जेडीयू बिल्कुल कमजोर थी तो स्वर्ण जातियों का वोट बटा नहीं, अति पिछड़ा इन्हें मिल गया। लेकिन अक्टूबर 2005 के चुनाव में जेडीयू यहां पे मजबूत हो गई। जिस जेडीयू को फरवरी 2005 के चुनाव में यहां पे मात्र 1057 वोट मिला था, उसी जेडीयू के उम्मीदवार को अक्टूबर के माह में जो चुनाव हुआ उसमें 23097 वोट मिला। इस तरह से यहाँ जेडीयू मजबूत हुई धीरे धीरे और लालू विरोधी वोट जो था वो बटने लगा। उच्च जाति का वोट जो भी था वो लालू विरोधी वोट हुआ करता था। एलजीपी के उम्मीदवार को जो पिछले चुनाव में गया था फरवरी वाले में वो अब बट गया और जेडीयू और शंकर सिंह दोनों के बीच में बट गया था, जिसके कारण जो शंकर सिंह 2005 फरवरी में जीत गए थे वो हार गए, क्योंकि चुनाव में उस चुनाव में स्वर्ण जातियों का वोट, लालू विरोधी वोट बट गया था। और उसके ऊपर से अक्टूबर का चुनाव आते आते अति पिछड़ा वोट जो था वो नीतीश कुमार के पास बड़ी तेजी से आ रहा था, जिसके कारण शंकर सिंह चुनाव हार गए और जेडीयू के उम्मीदवार को अच्छा खासा वोट उसमें मिल गया था। हालांकि जीत नहीं पाए थे लेकिन उसके बावजूद मजबूत हुई थी और उसके बाद से लगातार जेडीयू वहाँ पे मजबूत होते चली गई। लालू विरोधी वोट के इस बंटवारे के कारण आरजेडी रुपौली में पहली बार और आखिरी बार इसी अक्टूबर 2005 के चुनाव में चुनाव जीती थी। उसके बाद से कभी नहीं जीत पाई, अपना कैंडिडेट तक नहीं उतारी है। आरजेडी रुपौली से चुनाव न तो इसके पहले कभी जीती थी और न ही कभी इसके बाद जीत पाएगी कभी भी। इस बार हो पाता है ये या नहीं हो पाता ये तो समय बताएगा। 2020 के आखिरी बिहार विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर आरजेडी की क्या हैसियत थी इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी यहाँ से चुनाव लड़ी ही नहीं, यहाँ का टिकट सीपीआई को दे दिया गया और वो सीपीआई भी तीसरे नंबर पर चली गई जो महागठबंधन से लड़ रही थी, जो आरजेडी के सपोर्ट से लड़ रही थी, और एलजेपी के शंकर सिंह दूसरे नंबर पर रह गए थे। इसी चुनाव में कालाधार मंडल निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 6197 वोट लाए थे और यहीं से इनका शुरू होता है सफर, जब ये आखिरी में अब जेडीयू के कैंडिडेट बनते हैं। इसके अलावा दो और भी कैंडिडेट थे जो 4000 वोट लाए थे। यहाँ पे नोटा को भी 4000 वोट लाया था, एक को 5600 वोट आया था, एक को 4686 वोट आया था। अगर एलजेपी पिछली बार विश्वासघात नहीं करती तो जीत का अंतर और भी ज़्यादा होता जेडीयू के लिए। मतलब साफ है कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी का कोई भी वजूद नहीं है। बीमा भारती का वजूद है लेकिन बीमा भारती भी अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती है, ऐसा साफ साफ देखने से लगता है। बीमा भारती को संतोष कुशवाहा और जेडीयू का मदद लेना पड़ता था और बदले में बीमा भारती गंगोटिया जाति के वोट को जेडीयू की तरफ ट्रांसफर करवा देती थी लोकसभा के चुनाव में संतोष कुशवाहा के लिए। लेकिन अब पिछले 20 सालों के दौरान बहुत कुछ बदल चुका है। पिछले 20 सालों के दौरान पप्पू यादव उस क्षेत्र में लालू सपोर्टर से लालू विरोधी चेहरा बन गए हैं, खास करके पिछले लोकसभा चुनाव में। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार का गंगोटिया जाति की राजनीति पर, गंगोटिया जाति के वोटरों के ऊपर पकड़ बहुत तेजी से मजबूत हुआ है। नीतीश कुमार ने गंगोटिया को ईबीसी में पहले शामिल किया, फिर गंगोटिया को एसटी में शामिल करने के लिए दो दो बार प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुकी है, जिससे गंगोटिया जाति के लोगों के अंदर, उनके वोटर के अंदर एक विश्वास है कि नीतीश कुमार उनके लिए काम कर रहे हैं। और संभवतः यही कारण है कि आज बिहार में एकमात्र गंगोटिया जाति का सांसद जेडीयू से ही है। 2005 के बाद बिहार में जितने भी गंगोटिया जाति के नेता विधायक चुनाव जीते हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ जेडीयू से जीते हैं। एक भी गंगोटिया जाति का विधायक आपको इवन भाजपा का नहीं मिलेगा, आरजेडी या कांग्रेस या किसी और पार्टी का तो बहुत दूर की बात है। यहां तक कि निर्दलीय का भी कोई नहीं जीता है अभी तक, 2005 से लेकर के आज तक।
सब के सब सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा सबूत और क्या हो सकता है इस बात का कि नीतीश कुमार का गंगोटिया जाति के राजनीति पर बहुत तेजी से पकड़ बना है और वो आज भी पकड़ बना हुआ है। अब इस उपचुनाव में फिर से जेडीयू ने एक गंगोटिया जाति के नेता को कालाधार मंडल को टिकट दिया है इस उपचुनाव में जो कि रुपौली में हो रहा है 10 जुलाई को। कालाधार मंडल का राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कुछ अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इनका साफ देखने से पता चलता है कि नहीं है। इनका राजनीतिक सफर शुरू होता है साल 2001 में, जब बहुत लंबे अंतराल के बाद बिहार में पंचायत चुनाव होता है और उस पंचायत चुनाव में ये सुनमा पंचायत से चुनाव लड़ते हैं और मुखिया बन जाते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये हार जाते हैं अगले चुनाव में। उसके बाद फिर इनका पंचायत रिजर्व हो जाता है महिलाओं के लिए, ये कभी एससी के लिए। तो ये बगल वाले पड़ोसी पंचायत से 2016 में अपनी पत्नी जानकी देवी को, एक दूसरा जो पंचायत था पड़ोसी में बसंतपुर चिंतामणि, वहाँ से चुनाव लड़वाते हैं और फिर वहाँ पे जीत भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अगला चुनाव जब होता है मुखिया का उसी वहीं पे 2021 में, तो वो चुनाव हार जाते हैं। मतलब जनता को अपने काम से खुश करने की क्षमता शायद इनके अंदर नहीं है, तभी तो ये दो बार चुनाव जीते हैं, दोनों बार अगला चुनाव हार जाते हैं। मुखिया का चुनाव हार जाते हैं तो विधायक का क्या हाल होगा। इस बीच 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव निर्दलीय रूप से लड़े, 6,197 वोट भी लाए हैं, चौथे नंबर पे रहे, ठेका पट्टा का काम भी करने लगे बीच में। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने खुद अपने हाथों से इन्हें भवानीपुर में जब सभा एक चल रही थी तो उसमें माला पहना करके जेडीयू की सदस्यता दिलवाई थी। जेडीयू के पुराने नेता नहीं है और उसी समय ये तय हो गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद रुपौली में जो बिहार विधानसभा चुनाव का उपचुनाव होगा उसमें जेडीयू की तरफ से प्रत्याशी शायद पूरी संभावना है कि कालाधार मंडल ही होंगे। और उसके पीछे कारण ये नहीं है कि ये जेडीयू के पुराने नेता हैं या फिर ये निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे, वहाँ से 6,000 वोट लाए थे इसलिए नहीं मिला है। खुद मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं, पत्नी को भी मुखिया का चुनाव लड़ा चुके हैं, हालांकि वो हार भी गए हैं दोनों के दोनों। बल्कि कारण सिर्फ इतना था इनको टिकट देने का कि ये नीतीश कुमार के मंत्री लेसी सिंह के काफ़ी करीबी हैं। एक और कारण था, एक और क्वालिटी था जो इनके पास है, वो और किसी के पास नहीं था, वो था इनका गंगोटिया जाति का होना। और अगर रुपौली से चुनाव जीतना है और बीमा भारती को हराना है तो फिर उम्मीदवार तो गंगोटिया जाति का ही चाहिए, क्योंकि गंगोटिया जाति के लोगों में अपने समाज के प्रति काफ़ी एकजुटता है। बहुत कुछ सम्मान देते हैं वो नीतीश कुमार को, लेकिन उसके बावजूद वो उन्हें अगर अपनी जाति का कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो वो उसे वोट नहीं करेंगे, वो जब करेंगे तो गंगोटिया जाति के उम्मीदवार को ही वोट करेंगे। उसके ऊपर से कालाधार मंडल के साथ पप्पू यादव भी अच्छे खासे कंफर्टेबल है और पप्पू यादव आजकल मुहिम पे हैं, लालू यादव का विरोध करने के मुहिम पर। वो तो चाहते हैं कि बीमा भारती किसी तरह से हारे ताकि लालू यादव वहाँ कमज़ोर पड़े और जितना कमज़ोर होंगे आरजेडी वहाँ पे उतना ही ज़्यादा पप्पू यादव मजबूत होंगे। सिर्फ वोट लेने की व्यक्तिगत क्षमता की बात होती तो फिर तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत क्षमता किसी के अंदर है रुपौली विधानसभा क्षेत्र में तो वो है शंकर सिंह की। लेकिन शंकर सिंह एक तो राजपूत हैं तो उन्हें अगर जेडीयू टिकट देती तो पिछड़े लोग अति पिछड़े भड़क जाते जेडीयू से। उसके अलावा लेसी सिंह का शंकर सिंह के साथ शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है और आज से नहीं बल्कि 1990 के दशक से। शंकर सिंह के साथ पप्पू यादव का तो और भी ज़्यादा 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि शंकर सिंह और बूटन सिंह जो उनके गुरु हुआ करते थे, शंकर सिंह के गुरु बूटन सिंह, दोनों लोगों ने मिल करके पप्पू यादव के खिलाफ नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी बनाया था और यहाँ जातीय संघर्ष इसी नाम पे हुआ था। सवर्ण की तरफ से बूटन सिंह और पिछड़ों की तरफ से पप्पू यादव हुआ करते थे। तो कालाधार मंडल जेडीयू के पास बचे हुए सबसे बेस्ट ऑप्शन थे, इनके अलावा कोई ऑप्शन बेहतर नहीं था। अब इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार भाजपा का नरेटी दबाए हुए हैं केंद्र में, उस स्थिति में एलजेपी और चिराग पासवान नीतीश कुमार के उम्मीदवार के खिलाफ अपना कोई अलग से कैंडिडेट खड़ा करने का तो हिम्मत कर ही नहीं सकते हैं। कैंडिडेट खड़ा करना तो दूर की बात है, इस कंडीशन में चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ भीतरघात भी करने का हिम्मत नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये बचा कि बीमा भारती को जो वोट करेंगे, जितना भी वोट करेंगे, वो फिर किस कारण से, किस फैक्टर के कारण लोग बीमा भारती को वोट करेंगे, चाहे जितना भी वोट आए। सबसे बड़ा फैक्टर इनके साथ ये है कि बीमा भारती गंगोटिया जाति की है और 5 बार विधायक रह चुकी है उसी क्षेत्र से, रुपौली से, तो राजनीतिक पकड़ तो अपने क्षेत्र में इनका होगा ही, बहुत सारे लोग इनके होंगे। और लोकसभा चुनाव में भी इन्हें सबसे ज़्यादा वोट इसी रुपौली
विधानसभा क्षेत्र से मिला था, बाकी जगह से सबसे कम, सबसे ज़्यादा यहीं से मिला था, बाकी जगह पे बहुत कम मिला था। लेकिन ये भी तो बात है कि अभी तक 5 बार जब वो बीमा भारती चुनाव रुपौली से लड़ी है, जीती है, तो इनके पति मैदान में सारा फील्डिंग करते थे, लेकिन इस बार पति के साथ साथ बेटा भी जेल में है। नीतीश कुमार ने दोनों को अंदर जेल में ठूस दिया है। बिना पत्नी और बिना बेटा का पिछला लोकसभा चुनाव वो लड़ करके देख चुके हैं, बुरी तरह हारे हैं, कोई नहीं कह सकता था इतना कम वोटर 30-35 हज़ार वोट में सिमट गए। अब अगर गंगोटिया वोटर बीमा भारती के ऊपर दया करके वोट दे दे कि पति बेचारे जेल में है, बेटा बेचारा जेल में है, लोकसभा चुनाव हार गई है, तो अब कम से कम एक बार इसको कम से कम विधायक ही बना देते हैं। यही एक फैक्टर हमें दिख रहा है बीमा भारती के पक्ष में जो इन्हें चुनाव जिता सकता है। एक और फैक्टर जो बीमा भारती के पक्ष में है वो ये कि इस बार लेफ्ट के यानी कि वाम दल यहाँ से कोई चुनाव अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहा है, कुछ चुनाव नहीं लड़ रहा है, जिससे लेफ्ट का जिसका अच्छा खासा यहाँ पे होल्ड है और उनके विधायक भी एक बार बन चुके हैं, वो वोट इधर ट्रांसफर हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कितना वोट उनका इधर ट्रांसफर करवा पाते हैं। अब जाते जाते रुपौली विधानसभा क्षेत्र का एक और गुत्थी सुलझते हुए चले जाइए। ये गुत्थी है शंकर सिंह, जो LJP के लीडर थे। वो इतना वोट क्यों और कैसे ले आते थे, जीत भी गए हैं, हमेशा लगातार 3 बार वो उपविजेता भी रहे हैं इसी रुपौली विधानसभा क्षेत्र से। शंकर सिंह की पत्नी भी जीतन राम मांझी की पार्टी जो हम है उसके बड़े नेता हैं, उस अभी भी वो कई जिला परिषद वगैरह हर जगह पे उनका कब्जा है। लेकिन इस बार भी मांझी जी भी NDA और नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अभी जो स्थिति है, इन्हें JDU से टिकट क्यों नहीं दिया जाता है, क्यों नहीं दिया गया, इसका तो बहुत सारा कारण है जो हमने आपको ऊपर भी दिया है। एक बार ये विधायक भी बने हैं LJP के टिकट पर, 3 बार ये दूसरे नंबर पर रहे हैं, उपविजेता रहे हैं, एक बार 2010 में, फिर 20 में, फिर 2005 में, ये 3 बार उपविजेता रहे हैं। 2015 के चुनाव में भी ये 35,000 वोट लाए थे, जबकि कालाधार मंडल को मात्र 6,000 वोट मिला था, तीसरे नंबर पर रहे थे उसमें ये, जबकि जो CPI का कैंडिडेट था, महागठबंधन का कैंडिडेट था, वो उस चुनाव में 4th नंबर पर चला गया था। अब सवाल उठता है कि शंकर सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके चुनाव लड़ने से किसे नुकसान ज़्यादा होगा। हमारे हिसाब से शंकर सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीमा भारती को ज़्यादा और JDU को कम नुकसान होगा, क्योंकि शंकर सिंह का चेहरा पप्पू यादव के विरोध का चेहरा है, और इस तरह से क्षेत्र का पप्पू यादव जो भी विरोधी वोट जो बीमा भारती को मिल सकता था वो अब चला जाएगा, उसका एक बड़ा हिस्सा चला जाएगा शंकर सिंह को, तो इससे नुकसान होगा बीमा भारती को। शंकर सिंह उसी उत्तर बिहार लिबरेशन आर्मी के सर्वे सर्वा, और जिस नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी ने 1990 के दशक के दौरान पूर्णिया मधेपुरा क्षेत्र में पप्पू यादव के बाहुबल के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसी के लीडर हैं। ये आर्मी राजपूत का था और बूटन सिंह इसके संस्थापक थे। साल 2000 में बूटन सिंह की हत्या के बाद नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी का पूरा कमांड शंकर सिंह के हाथों में चला गया था। तब से शंकर सिंह उस क्षेत्र के सवर्णों का सबसे बड़ा चेहरा है, और सवर्ण हमेशा इन्हें ही वोट करते हैं, और इसी के आधार पर वो 30-35 हज़ार वोट समेट लेते हैं, कभी जीत भी गए, उपविजेता भी रहे। चूँकि LJP से इन्हें टिकट मिलता था तो इसलिए दलितों का एक बड़ा वोट, पासवान वोट इन्हें मिल जाता था। 2005 में ये और भी ऐसे मजबूत हो गए थे कि पप्पू यादव उस चुनाव में, उस दौर में 2004 में वो RJD के टिकट पर सांसद बन चुके थे, तो वो RJD के नेता थे, जिससे पप्पू यादव विरोधी वोट के साथ साथ लालू विरोधी वोट जो था वो दोनों को दोनों वोट शंकर सिंह को मिल गया था, और उसके ऊपर से पासवान का वोट उनको मिला ही LJP के कारण, इसके कारण वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन अक्टूबर 2005 का चुनाव जब हुआ तो वो नहीं जीत पाए, क्योंकि पासवान वोट तो इन्हें मिला, पप्पू यादव का विरोधी वोट, पप्पू यादव का जो विरोधी वोट था वो भी इन्हें मिला, लेकिन लालू विरोधी जो वोट था, RJD विरोधी जो वोट था वो इनको कम मिला, क्योंकि लालू विरोधी वोट अक्टूबर 2005 के चुनाव में LJP का साथ छोड़ करके और नीतीश कुमार के पास चली गई थी। यही कारण था कि JDU के उम्मीदवार को उस फरवरी 2005 के चुनाव में जब 1,057 वोट मिला था, उसी JDU को 6 महीना के बाद जब अक्टूबर में चुनाव हुआ 2005 में तो 23,097 वोट मिलता है, और वो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि लालू विरोधी वोट पूरा नीतीश कुमार के पास चला गया था। अब इस बार यानी कि 2024 के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में लालू विरोध का कोई वोट बैंक है नहीं, पप्पू के समर्थक JDU के साथ भीतर से आ चुके हैं, पप्पू के विरोधी
पहले ही शंकर सिंह के पास जा चुके थे। पासवान इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करने का सोच नहीं सकता है। मुसहर मांझी जी सब, कुशवाहा जी भी आ चुके हैं, कुशवाहा जेडीयू के साथ आ चुके हैं, उनके साथ इंटैक्ट है, मुसहर भी इंटैक्ट है। तो ये सब कुछ मिला करके अब तो सवाल यही बनता है कि कालाधार मंडल किस हद तक अपने आप को गंगोटिया जाति के नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये गंगोटिया जाति का वोट काटने में सफल होंगे इनके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी जितने भी वोट हैं वो जातीय समीकरण या नीतीश कुमार ने जो समीकरण बिठा रखा है उसके कारण इनको तो मिलेगा, लेकिन गंगोटिया जाति का कितना वोट इन्हें मिल पाता है ये इनके व्यक्तिगत क्षमता के ऊपर भी निर्भर करेगा। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, नमस्कार।